लेक्चर नंबर 9 एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 टुडे आवर टॉपिक इज यूरिया साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूरिया साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि यूरिया साइकिल जो है उसमें हम किस तरह से अमोनिया से यूरिया जो है वो बनाते हैं और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है, क्या रीज़न है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास साइकिल है ये कहाँ पे अकर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास यूरिया साइकिल बेसिकली इसमें होता क्या है, अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। एज वी नो दैट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी में से एक्सक्रीट करते हैं। अब अमोनिया क्या है, हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि टॉक्सिक होता है, तो इसको हम लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी में से रिमूव करते हैं। ठीक है, अमोनिया का हमारे पास फार्मूला होता है NH3 और यूरिया का फार्मूला होता है C(OH)NH। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है यूरिया का। इसमें बेसिकली अब हम देखेंगे NH2 एच को इस साइड पे लिख देते हैं NH2। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है यूरिया का। अब बेसिकली हम देखते हैं कि हम किस तरह से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं यूरिया साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया क्यों जाता है, इसकी रीजन क्या है, व्हाई वी कन्वर्ट अमोनिया इंटू यूरिया। सो बेसिकली हमारे पास जो अमोनिया है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक है, तो इसको हम लेस टॉक्सिक करने के लिए यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, नंबर वन रीजन। नंबर टू की हमारे पास जो है अनस्टोरेबल होता है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, अनस्टोरेबल बॉडी के अंदर, कैन स्टोर फॉर अ टाइम, कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम, ओके, कांट फिल्टर, हमारी बॉडी जो है वो अमोनिया को फिल्टर नहीं कर सकती, कैन फिल्टर यूरिया, यूरिया को जो है वो फिल्टर किया जा सकता है। नंबर फोर पे हमारे पास आ जाता है कि अमोनिया को बॉडी में से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होता है। लाइक अगर हम 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी में से रिमूव करें तो इसके लिए हमें 500 ml वाटर रिक्वायर होना चाहिए, तो ऐसा जो है ह्यूमंस के लिए तो पॉसिबल नहीं है इतना पानी 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए। तो इसको हम यूरिया में फिर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि 1 ग्राम यूरिया को हम 50 ml से वाटर से रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम बॉडी इजीली। सो बेसिकली ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। डायरेक्टली अमोनिया को ही एक्सक्रीट क्यों नहीं करते हम, क्योंकि अमोनिया जो है उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होना चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होकर बॉडी में से एक्सक्रीट होगा। इसके अलावा अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है और थोड़ी देर के लिए बॉडी में स्टोर भी हो सकता है, बट इट इज़ अनस्टोरेबल, कैन नॉट फिल्टर, इसको किडनी वगैरह के थ्रू फिल्टर भी नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी फिल्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक वे है जिसके थ्रू हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी में से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और बेसिकली हमने देखना क्या है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया कैसे जाता है, तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं अमोनिया यूरिया साइकिल को। तो हम उस साइकिल को देखते हैं, बेसिकली साइकिल जो है वो स्टार्ट हमारे पास जो है स्टार्ट होता है सिट्रोलिन से। सिट्रोलिन जो है प्रिकॉसर है इस साइकिल के अंदर, प्रिकॉसर होता है जो दोबारा से यूज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारे पास सिट्रोलिन है इसके पास एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आता है, एक अमोनिया का
फॉर्मूला लिख लेते हैं, NH2 प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आता है और सिट्रोलिन जो है कन्वर्ट हो जाता है फिर आगे आर्जिनोसक्सीनेन। और ये आर्जिनोसक्सीनेट में जब कन्वर्ट होता है तो सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया यानी कि हमारे पास सेकेंड जो है नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है अमोनिया का, यानी अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जो है NH2 वो इन्वॉल्व होगा, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल और इन्वॉल्व होगा और वो सिट्रोलिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, आर्जिनोसक्सीनेट में। अब देन आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, किसमें, आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। आर्जिनिन जो है वो फर्दर आपके पास आर्जिनेस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, किसमें कन्वर्ट होगा, यूरिया में। किस एंजाइम की वजह से होगा, आर्जिनेस एंजाइम जो है वो आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा और आर्जिनिन से वापस जो है हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा ऑर्निथिन। तो ये हमारे पास यूरिया साइकिल है। बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास सिट्रोलिन प्रिकॉसर, ठीक है, अब हमारे पास जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सिट्रोलिन के साथ अटैच होंगे और सिट्रोलिन से जो है आर्जिनोसक्सीनेट बनाएंगे जब अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, सेकंड मॉलिक्यूल, यानी कि टू अमोनिया के मॉलिक्यूल पूरे साइकिल में यूज हो रहे हैं। अब आर्जिनोसक्सीनेट जो है आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा और आर्जिनिन आर्जिनेस यानी कि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इसमें एंजाइम यूज हो रहा है आर्जिनेस जो कि आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा और यूरिया ऑर्थिनिन में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थिनिन जो है अगेन इस साइकिल को प्रोसीड करेगा और ये हमारे पास एक यूरिया साइकिल है जिससे हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, यूरिया। अब यूरिया जो हमने ऑब्टेन किया, पर्पस क्या था कि हम लेस वाटर में भी इसको बॉडी में से रिलीज कर लें, तो जो यूरिया है वो हमें पता है 51 ग्राम जो यूरिया है वो 50 ml वाटर से बॉडी में से रिमूव हो जाता है, तो यूरिया जो है वो इजीली बॉडी में से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिया बॉडी से। तो और जी हमारे पास जो यूरिया साइकिल था वो उसके जरिए हमने अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर लिया, यूरिया में कन्वर्ट कर लिया। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास एक एंजाइमेटिक रिएक्शन, हम इसे कह सकते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्यों है ये हमारे पास, बिकॉज इसमें एंजाइम यूज हुआ, लाइक आर्जिनेस एंजाइम यूज किया। इसी तरह अगर हम देखें कि ये रिएक्शन टेक प्लेस कहाँ पे होता है, लोकेशन क्या है इसकी, तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो लिवर में टेक प्लेस होता है, लिवर के अंदर, लीवर के सेल्स के अंदर टेक प्लेस होगा। और कहाँ पे सेल में कहाँ पे टेक प्लेस होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, तो बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म के अंदर टेक प्लेस होता है ये साइकिल, ठीक है, जिसमें क्या होता है अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, यूरिया साइकिल है। अगर हमें यूरिया साइकिल को प्रॉपरली डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे द प्रोसेस इन विच when two ammonia molecules and one carbon dioxide molecules are combined to convert ammonia into urea is known as urea cycle। अब हमारे पास बेसिकली अगर हम इस पूरे साइकिल को एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो हमारे पास कुछ यूं इक्वेशन बनेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 के दो मॉलिक्यूल क्या बना देंगे, यूरिया। और यूरिया का क्या फार्मूला होता है, NH2H2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से हमने यूरिया को बना लिया, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या था, यूरिया साइकिल। सो हमने देखा कि यूरिया साइकिल जो है उसमें किस तरह से जो है वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होता है और इसकी रीजन क्या है, क्यों कन्वर्जन होती है ये, और किस तरह से फिर एक्सक्रीशन होती है और ये रिएक्शन टेक प्लेस कहाँ पे होता है, हिंदी
सेल्स ऑफ लीवर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक ये रिएक्शन होगा. तो होप्स हो कि आपको यूरिया साइकिल जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब देखो लास्ट पॉइंट कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरिया साइकिल होता है उन्हें यूरिकोटैलिक भी कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूरिया साइकिल होगा यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक क्योंकि वो यूरिया को रिलीज करते हैं. ठीक है, और यूरिया जब रिलीज होगा इट्स मीन कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अमोनिया से यूरिया बन रहा है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का नेम देते हैं. होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया. ओके.